बजम्ल रनिम अस्सलाम असल आप देख रहे हैं वाज टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर नाज़ी आज इस्लामाबाद की एक हिट स्टोरी के साथ आपकी ख़िदमत में हाज़िर हूँ आज की जो स्टोरी है वो इस्लामाबाद में बिकने वाली जो शराब है उसके ऊपर हम स्टोरी कर रहे थे और बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं क्योंकि जब से नए पुलिस चीफ़ तैनात हुए हैं उसके बाद उन्होंने घेरा तो तंग किया है लेकिन एक बहुत ही अहम बात जो आपके साथ शेयर करनी है कि इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा जो शराब सेल होती है वो मलक बरदरान की होती है उसमें मलक जवेद है मलक सागर है दीगर मलक तारिक है और दिगर ये पूरी एक बरदरी है जिनका ताल्लुक गुजर खान से है लेकिन बहुत हाई लेवल पर यह शराब सेल आउट करते हैं और इन्होंने कुछ आपने नुमाइंदे रखे हैं आप कॉल करेंगे तो आपके घर के दरवाजे पर शराब मुहैया कर दी जाएगी आप कॉल करेंगे किसी भी इस्लाम के सब सेक्टर में आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे इनके बंदे मौजूद होंगे जो आपको शराब दे देंगे लेकिन आज जो प्रोग्राम है नाजी उसमें इस्लामाद पुलिस ने 10-11 जनवरी को एक बहुत बड़ा शराब डीलर मलिक सागर गिरफ्तार किया था मलिक सागर के मतलब इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि इसके ऊपर मतदद मकदम दर्ज हैं रिकॉर्ड याफ्ता है और जो प्रेस रिलीज़ की वर्ल्डिंग थी वो ये थी कि मलिक सागर जो है उसके ऊपर 20 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हैं ये इनकी प्रेस रिलीज जारी हुई थी लेकिन प्रोग्राम में आगे चल कर मैं आपको बताऊँगा कि मलिक सागर को जो रिलीफ दिया गया है कि एक रिकॉर्ड याफ्ता शराब फरोश किसके कहने पे उसको रिलीफ दिया गया है क्योंकि इस्लाबाद पुलिस की अगर हम बात करें तो वो गैर तस्दीकशुदा इतला के मुताब अ पर वो कई ऐसे जगहों पर छापे मारते हैं जिसमें शालीमार की अगर हम बात करें तो हाल ही में आपको पता है कि इस्लामाबाद पुलिस ने शालीमार में थाना शालीमार की हदूद में एक जगह पे छापा मारा वो सफारतकार की रिहाइशाह थी और वहाँ पे बहुत कुछ सामने आया उसके बाद आईजी इस्लामाबाद ने उस एस से कोई एक्सप्लेशन भी कॉल की लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात है कि पुलिस उन लोगों के घरों में छापे मार रही है जो यहाँ पर सफारतकार हैं लेकिन जो बड़े बड़े शराब फरोश हैं उनको खुली छुट्टी दी हुई है अगर हम बात करें स्पेशल ब्रांच के जो नए सब तैनात हुए हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक शीशा कैफ़ों पर छापे मारे जा रहे हैं ब्रॉथल हाउस में छापे मारे जा रहे हैं लेकिन क्या जो स्पेशल ब्रांच के हाई कमान है उनको इस्लाहाबाद में फ़रोख्त होने वाली शराब के मतलब नहीं पता क्या स्पेशल ब्रांच को ये मालूम नहीं कि मैरियट हो गया सरीना हो गया बेस्ट वेस्टर्न हो गया वहाँ पे सूरज डलते ही जिस तरह शराब फरोख्त हो रही है वहाँ पे उनके पास इतना वो परमिट नहीं होता लेकिन उससे दो से तीन गुना जायद शराब वहाँ पे सेल आउट हो रही होती है तो नए इस्लामाबाद पुलिस के जो चीफ हैं या जो नए तैनात होने वाले स्पेशल ब्रांच के एक बड़े ऑफिसर हैं क्या उनको इस मुतल नहीं पता कि इस तरह यहाँ पे ये काम हो रहा है स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स पर छापे तो मारे जाते हैं लेकिन शराब जिस तरह सेल आउट हो रही है शाम डलते इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में चले जाएं तो मलिक बरदरान के बहुत चर्चे हैं मलिक सागर को गिरफ़्तार किया गया था जिसमें मैंने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस अपने प्रेस रिलीज़ में लिखती है कि मलिक सागर 20 से ज्यादा मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्त है यहाँ पे हैरत अंगेज़ तौर पर मैं आपको एक बात बताऊँगा कि जो अदालती चीज़ें मैंने आज निकाली हैं उसके मुताबिक मलिक सागर जो बीस मुकदमात हैं उनमें इश्हारी था लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर शालीमार पुलिस ने सिर्फ़ एक मुकदमे में गिरफ्तारी डाली उसके बाद इस इश्तहारी मुलजिम की ज़मानत होगी और इस्लामाबाद पुलिस ने ये जहमत ना की कि जो शराब फरोश मलक सागर है उसके ऊपर जो और मुकदमात दर्ज हैं उनमें इसकी गिरफ्तारी डालते लेकिन नोटों की चमक देख कर ये बात स्पेशल ब्रांच को मालूम नहीं थी स्पेशल ब्रांच को ज़रूर मालूम थी लेकिन स्पेशल ब्रांच के जो नए साहब आए हैं वो सिर्फ गलत रिपोर्टें जारी करवा कर आई जी इस्लाम के खिलाफ मन गढ़त कहानियाँ बनवा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आई जी इस्लामाबाद ऐसन यूनिट इस्लाम आबाद में ज़्यादा देर रह सके और इस्लाम आबाद पुलिस में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो नहीं चाहते कि जो नए चीफ आए हैं यानी कि ऐसन यूनिट वो ज़्यादा देर तक इस्लाम में टिके और उनको यहाँ से फ़ारिंग करने के लिए मुख्तफ प्लान्स बनाए जा रहे हैं जिस तरह मैंने स्पेशल ब्रांच की बात की क्या स्पेशल ब्रांच इतना लाइल निकला कि उसको मलिक सागर के मुकदमात का नहीं पता था स्पेशल ब्रांच की टीमें हाई कोर्ट में होती हैं जुडिशल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होती हैं सुप्रीम कोर्ट में होती हैं क्या स्पेशल ब्रांच का अमला इतना नाअहल निकला इतना ला इल्म निकला कि बीस से ज़ायद मुकदमात में मलिक सागर इश्तहारी था उसकी गिरफ़्तारी सिर्फ़ एक मुकदमे में डालकर उसको क्यों रिलीफ दिया गया कल के प्रोग्राम में मैं आपको यह बताऊंगा कि मलिक सागर के ऊपर थाना शादीमार में कितने मुकदमा दर्ज हैं थाना मरगला में कितने मुकदमत दर्ज हैं क्योंकि सिर्फ जो 2016 से लेके 2019 तक जो इसके मुकदमा थे वो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास थे जिसमें इसको इश्तहारी किया गया और वो मुकदमा सिर्फ थाना शालीमार के थे और ओवरऑल अगर जो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे मलिक सागर के 17 थानों के जो मुकदमात हैं वो दर्जन उनमें वो इश्तिहारी है लेकिन हैरतंगेज़ तौर पर इस्लामाबाद पुलिस ने या तो पैसे लिए हैं या अफसरान को उनको ये बात बताई नहीं है लेकिन जब इस्लामाबाद पुलिस के तर्जमान जब ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि वो बीस मुकदमात का रिकार्ड याफ़्त है और उसको सिर्फ एक मुकदमे में गिरफ्तारी डाल क्या एस एच ओ साहब ने अपनी जेब गरम की है या ऊपर अफसरान ने अपनी जेब गरम की है क्योंकि मैं बात करूँ इस्लाहबाद पुलिस में एस एस पी जो आए हैं फैसल कामरान वो बहुत माने हुए एस, एस हैं वो जब रावलपिंडी में भी रहे थे तो उन्होंने बहुत से केसेस हल भी किए थे और उनकी तैनाती के दौरान पंजाब में सबसे ज़्यादा जो ट्रायल हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा जो सज़ाएँ हुई थी वो सिर्फ़ रावलपिंडी पुलिस ने जो केस यकसू किए थे लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कि इस्लामाबाद में जिस तरह के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं मनशियात के कई ऐसी इतला में मौसूल हुई हैं कि जाली मुकदमा झूठे मुकदमा दिए जा रहे हैं मैं सिर्फ मलिक सागर तक रहूँगा कि क्या ये बड़ा शराब फरोश जो है इसके हाथ इतने लंबे हैं कि इस्लाम पुलिस हाथ बांध कर उनके सामने खड़ी और उन्होंने इसको दीगर जो इश्तहारी जिन मुकदमात में था उसमें गिरफ्तारी नहीं डाली सिर्फ एक मुकदमे में गिरफ्तारी डालकर इसको रिलीफ दे दिया कल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि इसको रिलीफ कैसे दिया गया किन किन थानों में दर्ज मुकदमात में मलक सागर इश्तहारी था उसमें इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई डालेगी हाई कोर्ट ने इस हवाले से क्या रिपोर्ट मांगी थी ये सारी चीज़ें कल के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान ताहिर रशीर को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़